अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्ला। मुहर्रम के महीने में बिलखुसूस काला कपड़ा पहनना और हरा कपड़ा पहनना, लाल कपड़ा पहनना, ये कैसा है? क्या पहनना जायज़ है या नहीं? बहुत सारे लोग मुहर्रम आते हैं तो ये सवाल करते हैं, और मुहर्रम के महीने में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक ये सवाल है, क्योंकि देखा गया है कि मुहर्रम के महीने में कुछ लोग अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हरे कपड़े पहनाते हैं और उसे एक फ़कीर का नाम देते हैं, कहते हैं ये इमाम हुसैन के नाम पर हमने फ़कीर बनाया। इस पर आला हज़रत का भी फतवा है, नहीं पहनाना चाहिए। और काले कपड़े भी मुहर्रम के महीने में, मुहर्रम के शुरू के 10 दिनों में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर से ये लोग शिया जो होते हैं वो पहनते हैं। इसी तरीके से जो हरे कपड़े हैं वो भी मना फरमाया गया है, लेकिन आम तौर से अगर आप और दिनों में वैसे ही पहनते हैं, काला या सुर्ख है या हरा है, जो भी आप पहनते ही हैं, तो आप उसमें अगर पहन रहे हैं इस महीने में तो खैर कुछ हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप कसदन करके मुहर्रम के महीने में और काला, लाल और ये हरा कपड़ा पहनते हैं, ये ख़्याल करते हैं कि मुहर्रम में ही पहनना चाहिए, मुहर्रम में पहना जाता है, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है, ग़लत है। ऐसी गलत चीज़ों से आप बचें और सही चीज़ें अपने अंदर लेकर के आएं। और इमाम हुसैन के नाम पर जो गलत रस्में हमारे रिवाज में और हमारे माशरे के अंदर हैं, उसको दूर करें। अस्सलामु अलैकुम।